So good morning friends, welcome to PD classes. Once again we are together and in front of you we have an interview today of NVS teacher. So my candidate is comfortable? Yes sir. Okay, Sunita, you are from Alwar? Yes sir. So सबसे पहले तो मैं हमारे कैंडिडेट से आपको मिलाना चाहूँगा. Yes sir. The guy from Punjab, अबोहर. Yes. अबोहर को और क्या कहा जाता है? California of Punjab. Good. And next we have a candidate, he is from Hanumangarh district. Okay, Hanumangarh किस लिए famous है? Sir, हड़प्पा civilization and veterinary fort. Very good. मैडम फिर हम चाहते हैं थोड़ा सा आप हमें पहले अलवर के बारे में बताइए, फिर हम आपसे एनवीएस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आज पूछेंगे. yes. चलिए प्लीज अबाउट योर अलवर. सर अलवर जो है वो इंडिया के अंदर राजस्थान स्टेट के अंदर सिचुएट करता है. okay. एक बहुत ही अच्छा सिटी है वो, और जो इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली उसके बहुत नज़दीक राजस्थान को अगर हम देखें तो उसके बहुत नज़दीक सिचुएट करता है वो. right. जब हम दिल्ली से राजस्थान के अंदर एंटर करते हैं तो मैक्सिमम जो है वो अलवर से होते हुए ही हम जाते हैं. right. सर अलवर के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है अलवर के अंदर. इससे हम ये समझते हैं कि अलवर जो है वो एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है. okay. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी. इसके अलावा सर अलवर के अंदर जो है वो मूसी महारानी की छतरी है जो बहुत ही अच्छी है, घूमने लायक है. ओके हम चाहते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़. Yes, sure, sir. Sir, I am Sunita Yadav, and my name means one who is reliable. Okay. And I am very much similar to my name. How? Sir, I believe that an ounce of loyalty is worth more than a pound of cleverness. Good, a point you are having. आपकी education के बारे में कुछ बताइए. Sure, sir. I have done MSc in chemistry and B.Ed with first division marks. I have 4 years salubrious experience of teaching chemistry. Very good. तो हमारे चांस देंगे पंजाब गाय को. Mr. Please have your ask any question from madam. Tell about your family. Sir, we are 5 members in our family. My father-in-law is a teacher and my mother-in-law is a homemaker. My husband is in Air Force. We are blessed with an angel son. He is studying 2nd standard. वेरी गुड. अंकुश आजाद से गुड क्वेश्चन फ्रॉम यू है ना, तो हम चांस देते हैं हमारे हनुमानगढ़ बॉय को. प्लीज हैव योर क्वेश्चन. मैम आप स्टडी के अलावा कोई और एक्सपीरियंस के बारे में बताएं. सर मुझे स्टडी के अलावा नए नए लोगों से मिलना, रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है. सर मुझे इंस्पिरेशनल स्टफ्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. रिसेंटली आई हैव रॉड द सीक्रेट. ओके इंस्पिरेशनल स्टफ आपने पढ़ा है. यस सर. तो उसको आप अप्लाई कैसे करती हो अपने लाइफ में. सर जैसे मैंने अभी दास सीक्रेट पढ़ा है. okay. मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगी. जरूर. उसके अंदर जो है सर अट्रैक्शन के बारे में बताया है. okay. कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जैसा हम सोचते हैं, हमारे अंदर जैसी भी थिंकिंग होती है, जो भी विचार होते हैं. right. हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट बनता है वो सेम उसी की तरह बनता है. सर जैसे कि अगर हमने अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखा, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे जो पास्ट इवेंट्स हैं हम उनके बारे में सोचते हैं और हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं. तो हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट बनता है और हम जो रिजल्ट्स देखते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं. okay. लेकिन अगर हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम पास्ट इवेंट्स को भी नेगेटिव में ले जाते हैं और फिर हमें सिर्फ जो हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी होती है वही दिखती है, हम पॉजिटिविटी को नहीं देख सकते. तो मैंने उससे यही सीखा कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. और सर एज ए टीचर मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ. वेरी गुड. तो बंसीलाल अच्छा लगा आपका वे आंसरिंग का. और मैडम आपको बताया थे अलवर से हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट थी हर्षिता. yes. और शी गॉट सिलेक्टेड. yes. और हमारे पास अंबेडकर नाम से लड़का आया था रिसेंटली, हार्डली 1 वीक पहले उसका रिजल्ट आया. ही ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इन NVS इटसेल्फ. और हमारे इन दोनों को भी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए कि ये भी जल्दी जल्दी NVS में सिलेक्ट हो. yes, आज मैं आपसे बहुत से नए क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. तो मेरा क्वेश्चन है कि आपका टीचिंग का स्टाइल क्या है, किस तरीके से आप पढ़ाना पसंद करती हो. सर जो टीचिंग स्टाइल है वो सबका अलग अलग होता है. बट मेरे अंदर क्या है, मैं ये समझती हूँ कि जैसे बाकी लोग शायद हों या ना हों, लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं जो टेक्स्ट बुक होता है उसको बच्चे को क्रैम करवा के और सिर्फ रिजल्ट से ही रिलेट करते हैं. right. कि उनका रिजल्ट क्या रहा है. बट वो जो बच्चे के परमानेंट नॉलेज को हम नहीं इंक्रीज़ कर सकते. सर मेरा वे ये है कि बच्चे को क्रैम नहीं करवा के बच्चे के अंदर हम वो चीज़, वो पोटेंशियल डेवलप करें जो कि जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं वो हमेशा रिलेट करती हैं एनवायरनमेंट के साथ। जैसे जो सर मैं साइंस की टीचर हूँ तो हमारी पूरी साइंस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करती है। तो सर मैं वहाँ से ये देखती हूँ कि जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट को जब हम एनवायरनमेंट के साथ उसके चारों तरफ जो हो रहा है उसके साथ जब हम रिलेट करते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा सीखता है और हम उसको परमानेंट मेमोरी की तरह बच्चे को सिखा सकते हैं। गुड। साइंस एज अ टीचर आप किस तरीके से स्टार्ट करती है अपनी क्लास में? अगर आपको साइंस ऑलरेडी यूर साइंस टीचर और केमिस्ट्री एमएससी, यस सर, गुड परसेंटेज आल्सो यूर स्कोरिंग, सो डेफिनेटली आपका स्टाइल होगा कुछ स्टार्ट करने का टॉपिक, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? सर जैसे कोई भी टॉपिक है, मान लिया मैंने केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, yes. तो सर सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी, क्योंकि बच्चा जो है फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से ही साइंस पढ़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि बच्चा एटम के बारे में जानता भी है या उसके लिए ये वर्ड नया है। okay. तो सर सबसे पहले मैं उस वर्ड के बारे में बच्चों से पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटम। उसके बाद मैं देखती हूँ कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। उसी चीज़ को सर मैं एनवायरनमेंट से रिलेट करते हुए, जैसे कि हमारे पास वाटर है, सबसे जो पास होता है हर बच्चा उसके बारे में जानता है। right. तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि वाटर है, वाटर के अंदर जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर जो सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम प्रेजेंट होता है, जिससे मिलकर जो है वो वाटर बनता है, जिसको हम एज ए मॉलिक्यूल देखते हैं। तो सर हम हमेशा जो है अपनी क्लास को एक उस बेसिक से स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर 6 या 7 स्टैंडर्ड में है तो उसने पहले इस चीज़ को पढ़ा हो या उसने एनवायरनमेंट से रिलेट किया हो। हमें हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट से ही टीचिंग को स्टार्ट करना चाहिए। वेरी गुड। पीडी क्लासेस पे कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपका सेकंड डे है? यस सर। ओके, आप जोधपुर से आए हो ना, यहाँ से? यस सर। और बिलोंग अलवर से करते हैं? यस सर। तो जोधपुर में आपने क्या क्या देखा है? सर जोधपुर में मैंने उमैद पैलेस देखा है, मेहरानगढ़ का किला देखा है। कितने टाइम से रह रहे हैं आप जोधपुर में? सर 3 इयर्स। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, 3 साल। आपके हस्बैंड एयरफोर्स में? यस सर। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाने का आपको खूब एंजॉय करते होंगे आप। यस सर। यहाँ के बारे में कैसे मालूम चला था? सर मुझे यूट्यूब से मालूम चला था, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था पूरे वीडियोस। यहाँ पर फूड एकोमोडेशन वगैरह अच्छे, फ्रेंड सर्कल आपको अच्छे मिले सारे? बहुत अच्छा है सर। ओके, जितने भी गर्ल्स बॉयज है सब आपको पसंद है? yes, अच्छे sir. आपका ध्यान रखते हैं? यस सर। वेरी गुड। और हम चाहेंगे हमारे कैंडिडेट जो आज इनका फर्स्ट डे है तो yes, ये भी NVS में जरूर सेलेक्ट हो आपकी तरह। yes. अब मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका योगदान क्या रहेगा? व्हाट विल बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NVS इफ यू गेट सिलेक्टेड? सर इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी to upgrade the established organization like NVS. Very good. Sir, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जो parents हैं उनकी आईज में मेरे प्रति हमेशा satisfaction देखना चाहूँगी। Very good. कि मैं उनके बच्चों को वो knowledge दे रही हूँ, ऐसी टीचिंग करवा रही हूँ कि वो satisfied हो मुझसे। बिल्कुल, satisfaction is necessary. Yes sir. Sir, इसके अलावा मैं हमेशा जो है जो एनुअल फंक्शन होगा उसमें अपने बच्चों को बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करूंगी, उनको खुद परफॉर्म करवाऊंगी और मैं पीटीएम को बहुत अच्छे से हैंडल करूंगी। इसके अलावा सर मैं डेली वोकैब के ऊपर भी बहुत फोकस करूंगी। ओके, न्यू वर्ड्स पे? यस सर। दैट्स गुड। और आप ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस है आपको? यस सर। तो कितने सालों का? 4 इयर्स। तो आप इजीली उसको ऐड कर सकते हैं कि सर मैंने पीटीएम ऑलरेडी हैंडल की हुई है, आई हैव गुड रिजल्ट्स, जहाँ मैंने हैंडल किए तो मैंने अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। Yes, आपके अकॉर्डिंग एक अच्छे टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छे टीचर में होना चाहिए कि ही शुड हैव गुड कमांड ऑन हर सब्जेक्ट, ही इज अवेयर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ही शुड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ए स्टूडेंट। सर उसको साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर वो एक बच्चे को एक उस कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह समझे जिसको कि वो अपने तरीके से एक बहुत अच्छे इंसान के अंदर चेंज कर सके। ओके, सुनीता हमारे पास यहाँ और भी बहुत सुनीता आई हुई है जो सेम जॉब के लिए है, तो हम सिर्फ इसी सुनीता को जॉब क्यों दें? आप रीज़न दें हमें। डेफिनेटली सर। सर जो बाकी जो रो में खड़े हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहती, यट आई एश्योर यू अबाउट माई सेल्फ। गुड। सर अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो आई विल डेफिनेटली जस्टिस योर सेलेक्शन। सर आई एम डिटर्मिन्ड एंड डेडिकेटेड पर्सन एंड आई लव चैलेंजेस। गुड, यू लव चैलेंजेस। यस सर। दैट्स ग्रेट। तो ऑब्वियस है कि आप NVS के बारे में भी पढ़ के आए होंगे, आपका नॉलेज अपग्रेड है और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। यस सर। केमिस्ट्री आपका फेवरेट क्यों है? रीज़न? सर मुझे जो है ऐसा सब्जेक्ट पसंद नहीं स्टार्टिंग से ही जिसको मैं क्रैम करूँ। केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी जो डेली जो लाइफ होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैसे हम उस एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं, कैसे हम नई नई चीज़ों को देख सकते हैं, कैसे रिएक्शंस होती हैं, कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सर जैसे हम डेली लाइफ में देखें कि कैसे एक जो हम दूध रखते हैं वो दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कैसे उसके अंदर बैक्टीरियाज वर्क करते हैं, कैसे जो है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, उसके अंदर जो क्या प्रोसेस होता है, उस चीज़ को जानने की मेरी स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो इसीलिए मैंने केमिस्ट्री को चुना। वंडरफुल। सो आई होप दैट दिस स्मॉल इंट्रो वुड बी इनफ विद यू सिंस इट्स योर सेकंड डे, तो हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते एंड मेरी बेस्ट विशेस।